हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा या एस्मा के बारे में और होम्योपैथी की वो कौन सी तीन बहुत ही बेहतरीन मदर टिंचर है जो आप अस्थमा में या अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इनके इंडिकेशंस होते हैं और किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अस्थमा या एस्मा एंड द बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे तीन मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे जो कि अस्थमा में बहुत ही कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अस्थमा। तो दोस्तों, ये जो टर्म है अस्थमा या एस्मा, इसका क्या मतलब होता है? तो होता क्या है कि हमारी जो सांस की नली है, हम नाक से एयर को लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो हमारी सांस की नली ट्रेकिया में जाता है और जो ट्रेकिया है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट। और ये जो डिविशन है राइट और लेफ्ट, ये फर्दर और भी छोटी छोटी नलियों में ये डिवाइड होता है। इनका काम होता है कि हवा को आपके लंग्स तक यानी फेफड़ों तक पहुँचाना। तो हम इनहेल करते हैं और फिर हम एक्सहेल करते हैं, तो ये हमारा मोटा मोटा लंग्स का या फेफड़ों का ये काम होता है, जो काम करने में जो नलियां हैं वो हमें मदद करती है। अब ये जो नलियां होती हैं, अब इनमें अगर किसी प्रकार का कोई रुकावट हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अस्थमा। अब ये रुकावट क्यों होती है? ये एक एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। तो होता क्या है कि जो ये नलियां हैं, इन नलियों में हो जाती है सूजन। तो सूजन के कारण से इन नलियों का जो व्यास है या डायमीटर है वो कम हो जाता है और उसके वजह से आपको, जब नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमें फील नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं, पर जब ये नलियां छोटी हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पतली हो जाती हैं, तो हमें फोर्सफुल्ली सांस लेना पड़ता है, हमें ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता है। ऐसे लगता है कि सांस हमें नहीं आ रही है, लॉस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, तो ये हमारे लक्षण होते हैं अस्थमा के। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि छाती में हमें एक टाइट का फीलिंग होता है, एक टाइटनेस का फीलिंग होता है, एक अकड़न का महसूस होता है और सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। कई बारी जो आपको बलगम निकलता है, बलगम में भी अलग अलग तरह के आपको क्रिस्टल्स या कास्ट बन के आ सकते हैं। वो कास्ट क्या होता है कि जो बलगम अटक गया है किसी नली में और फिर फोर्सफुली जब निकलता है तो उसका एक ढांचा सा बन जाता है, और इसको हम चारकोट लीडन क्रिस्टल या कर्शमैन स्पाइरल, इनके नाम से हम जानते हैं, और इससे हमें पता लग पाता है कि कितना सीवियर आपका अस्थमा है। तो सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा कि सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, लॉस ऑफ ब्रेथ या आपको डिस्निया का महसूस हो रहा है, इसके साथ साथ आपको खांसी हो सकती है, आपको चेस्ट में टाइट फील हो सकता है, आपको वीजिंग का साउंड आ सकता है। जब आप सांस लेते हैं तब वीजिंग की साउंड या विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी साउंड आ रही है, ऐसा हो सकता है। जो बलगम निकल रहा है, जो स्पूटम आपको निकल रहा है, उसमें चारकोट लीडन क्रिस्टल, कर्शमैन स्पाइरल, ये हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो अस्थमा है, इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं या किसी कारण से जो आपका अस्थमा है वो आपको अटैक आता है या अस्थमा का अटैक आता है, जैसे आपने सुना होगा। तो वो क्या क्या कारण हैं? तो वो है, सबसे पहला, अगर आपको किसी प्रकार का एलर्जेंस का एक्सपोजर हो रहा है, डस्ट, मोल्ड, धूल, मिट्टी, तो पेशेंट ऐसे आके कहता है कि आज घर की सफाई करी और मुझे छींकें आनी शुरू हो गई और अब सांस नहीं लिया जा रहा और प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर है, धूल मिट्टी। अगर बाहर ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके वजह से आपको ऐसा हो सकता है। एक स्किन की कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अब जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है या
फैमिली हिस्ट्री है उनको भी अस्थमा होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, या ऐसा देखा गया है कि एटॉमिक डर्मेटाइटिस को अगर नहीं ठीक से ट्रीट किया जाता है तो भी अस्थमा हो सकता है। तो दोनों का एक कोरिलेशन रहता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की तो भी अस्थमा होने के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर आपको ऐसी परेशानी या ऐसी समस्या हो रही है तो होम्योपैथी की वो कौन सी तीन बेहतरीन मदर टिंचर है जो अस्थमा में आपको निश्चित रूप से आराम दे सकता है। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ब्लाटा मदर टिंचर। तो ब्लाटा का पूरा नाम है ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर। अब ये जो ब्लाटा दवा है ये अस्थमा में बहुत ही हेल्पफुल है। जब म्यूकस बलगम बनता है बलगम को निकाल नहीं पाते हैं, फोर्स इतना नहीं होता है कि बलगम को निकाल पाए, और ब्लाटा का मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं उसमें कि ब्लाटा किस तरह से दवा हमारी डिस्कवर हुई और किस तरह से ये अस्थमा की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है, 10-10 बूंद या 15 बूंद आपके सिम्टम के अनुसार इसको लेना होता है। आधे कप पानी में दिन में 3 बारी करके इसको ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी दवा है हमारी अस्थमा के लिए। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेनेगा। तो सेनेगा को भी मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे। तो दोस्तों सेनेगा जो हमारी दवा है इसका एक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी लैरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ट्रेकिया की, ब्रोंकाई की, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन प्रोड्यूस करने में या सूजन को ठीक करने में ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मोटे लोगों में ये ज़्यादा काम करती है, जो थोड़े से मोटापा जिनमें होता है और बहुत ज़्यादा बलगम इकट्ठा हो रहा है जो कि निकाल नहीं पा रहे हैं छाती में। जैसे मैंने बोला कि एक प्रेशर का फीलिंग होता है अस्थमा में, तो अगर ये प्रेशर वाला सिम्टम आपको फील हो और ऐसा लगे कि छाती जो है वो पीछे स्पाइन के तरफ छाती जा रही है और इतना ज़्यादा खांसी है, इतना ज़्यादा बलगम है जो कि निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए छाती में घड़गड़ घड़गड़ की आवाज़ होना, रैटलिंग कफ जिसको हम कहते हैं, या वीजिंग साउंड आना, इतना बलगम है कि घड़घड़ाहट की आवाज़ आपको छाती में फील हो रहा है, वीजिंग फील हो रहा है, तो सेनेगा मदर टिंचर दे सकते हैं। सेनेगा को भी 10 या 15 बूंद आपके सिम्टम के अनुसार इसको दिया जाएगा, आधे कप पानी में दिन में 3 बारी करके इसको कुछ टाइम तक के लिए ले सकते हैं, जो अस्थमा में आपको बहुत ही अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लोबेलिया। ये जो लोबेलिया मदर टिंचर है ये उन लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करेगी जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और स्मोकिंग के कारण उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं आती है, सांस फूलता रहता है। स्मोकिंग की अगर हमारे पास हिस्ट्री हो तो लोबेलिया जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करेगी। लोबेलिया में हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट अगर मूव करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है तो एकदम से थकावट का महसूस करता है, वहीं अगर जल्दी चले तो थोड़ा उसको बेटर लगता है। अस्थमा के साथ साथ ऐसा फील होता है कि पेट में कमज़ोरी महसूस हो रही है, इस प्रकार की फीलिंग भी महसूस हो सकती है, तो लोबेलिया मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की 3 मदर टिंचर जो कि बहुत ही हेल्पफुल है अस्थमा में। वो कौन कौन सी मदर टिंचर है, सबसे पहली है हमारी ब्लाटा, दूसरी है सेनेगा और तीसरी है लोबेलिया। तो दोस्तों ये सिम्टम बेस्ड मेडिसिंस है और मैं यही एडवाइस करूँगी अगर आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, क्रॉनिक है, तो इसमें ज़रूरी है कि सही तरह से आपके केस को लेके सही तरह से सारे इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए केस का और उस हिसाब से दवा लेनी चाहिए ताकि आपको बेहतर रिलीफ मिल पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अस्थमा के बारे में और होम्योपैथी की 3 बहुत ही बेहतरीन दवा के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को मेरे ऑफिस से अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है, ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।